गुजरात में जूनागढ़ के करीब हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव है जिसमें गोपाल और राधा रहते हैं। गोपाल अति ज्ञानी है परंतु ज्ञानी होने के बावजूद भी अति दरिद्र है। वह हमेशा धनवान बनने के ख्वाब देखता रहता है। राधा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं जी, हमेशा की तरह आज भी हम सिर्फ पिक्चर देख के ही अपना दिल बहला लेंगे। ठीक है, दोनों फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म देखकर वापस आते वक्त रात हो चुकी है। गोपाल और राधा पैदल चलते हुए जंगल से अपने गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गोपाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं राधा, मैं हूँ ना, और डर किस बात का, यहाँ कोई जंगली जानवर तो है नहीं। और रही बात भूत प्रेत की, तो मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। क्या तुम विश्वास करती हो? भूत प्रेत का नाम सुनकर राधा और डर गई। गोपाल समझ गया है कि राधा डर गई है, इसीलिए गोपाल ने बात बदल दी। अच्छा ये बताओ, जब मैं धनवान बन जाऊंगा तुम्हें सबसे पहले गिफ्ट में क्या दूं? जब आप धनवान बन जाए तब मुझे एक सोने का मंगलसूत्र बनवा के देना। ठीक है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। आवाज तो यहीं से आ रही है, पता नहीं कौन है। गोपाल चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये किसी महिला की आवाज़ है, उसे बचाना हमारा फर्ज है। मगर अगर हमारी लड़ाई गुंडों से हुई तो हमारे पास तो लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। तब गोपाल की नज़र नीचे पड़ी हुई बोतल पर पड़ती है। गोपाल वह बोतल उठाता है। मैं इस बोतल को तोड़कर हथियार बना लेता हूँ। मैं चुड़ैल हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बंगाल के जादूगर ने जब से मुझे कैद किया है तब से मैं भूखी हूँ। आज तुम दोनों का भोजन करके मुझे बड़ा मजा आएगा। देखिए चुड़ैल जी, आप मुझे अवश्य खा जाइए, मगर खाने से पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे बहुत भूख लगी है, चल जल्दी से अपनी बात सुना दे। अगर आप बोतल में बंद होती हो तो क्या आप मुझे खा सकती थी? नहीं। और जब तक आप बोतल में बंद रहती भूखी ही रहती, है ना? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बोतल से निकाल कर आपकी मदद की है। तुम ठीक कहते हो। तो फिर आप मुझे कैसे खा सकती हो? मैं तो इनाम का हकदार हूँ। तुम्हारी बात तो ठीक है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपनी बीवी के लिए एक सोने का मंगलसूत्र चाहिए। हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। तो आज तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा मेरे तरफ से। ये लो तोहफा मेरी तरफ से। मंगलसूत्र लेकर गोपाल और राधा अपने घर की ओर चल दिए। दूसरे दिन दो गांव वाले जंगल से गुजर रहे थे। इंसान की खुशबू आते ही मुंह में पानी आ जाता है, जो डर गया समझो मर गया। चुड़ैल अब रोज दो तीन गांव वालों को मारकर खाने लगी। उधर गांव वाले भी रोज दो तीन गांव वाले गायब होने से परेशान थे। गांव में दहशत का माहौल था। तब गांव में मुखिया ने पंचायत बुलाई। मुखिया जी, हमारे गांव से रोज दो तीन आदमी गायब हो रहे हैं, पता नहीं वो कहां खो जाते हैं। क्या उन्हें कोई जंगली जानवर खा जाता है, या फिर हमारे गांव पर कोई भूत प्रेत का साया है? हमें बचा लीजिए मुखिया जी। हमें बचा लीजिए मुखिया जी। देखिए, गांव का मुखिया होने के नाते तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज है। मैं आज रात को जंगल में अकेला जाऊंगा, देखता हूँ मेरा सामना किससे होता है। रात होते ही मुखिया जी जंगल की ओर चल दिए। मुखिया जी निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। जंगल में सन्नाटा छाया है, सियार और उल्लू की आवाजें दहशत बढ़ा रहे हैं। मौत को सामने देखकर
कैसा लग रहा है मानव? देखिए चुड़ैल जी, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। अगर आपने मुझे मार दिया तो गांव वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। और अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखी मर जाऊंगी। देखिए, हम बैठकर बात कर सकते हैं। बात आपके फायदे की होगी। बात अगर मेरे फायदे की है तो बताओ। फिर मुखिया जी ने चुड़ैल से कहा कि हम कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे आपकी भूख भी मिट जाए और गांव वाले भी न मरे। अरे मूर्ख, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है जी। मैं रोज आपके लिए गांव से एक जानवर भेजता रहूँगा। ये तो अच्छी बात है, मुझे शिकार के लिए मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। मगर जिस दिन गांव के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे तब मैं गांव से रोज एक इंसान को भेजूंगा, आप उसे खा जाइएगा। ठीक है, तो कल से मैं रोज आपके लिए एक शिकार भेजता रहूँगा। और आप आज के बाद कभी भी एक से ज्यादा जानवर या इंसान का शिकार नहीं करोगी। मंजूर है। मुखिया जी चुड़ैल को हर रोज एक जानवर भेजने का वचन देकर गांव की ओर चल दिए। दूसरे दिन मुखिया जी ने पंचायत बुलाकर चुड़ैल की सारी बातें गांव वालों को बताई। सारे गांव वाले मुखिया जी की बात से सहमत हो गए। फिर हर रोज गाँव से एक प्राणी चुड़ैल के खाने के लिए भेजा जाने लगा और चुड़ैल उन्हें खाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता गाँव के प्राणी कम होने लगे और एक दिन आ ही गया जब गांव के सारे जानवर खत्म हो गए। तब मुखिया जी ने एक बार फिर पंचायत बुलाई। देखो भाइयों, चुड़ैल के खौफ से बचने के लिए हमें उसे भोजन के वास्ते रोज एक जानवर भेजने का वचन दिया था, और गांव में सभी जानवर खत्म हो जाने के बाद अब हमें रोज एक इंसान भेजना होगा, वरना चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। और फिर पंचायत में यह तय हुआ कि गांव के सभी घर से बारी बारी रोज एक आदमी चुड़ैल के पास जाएगा। गांव का एक परिवार सदमे में है क्योंकि आज इस परिवार से एक आदमी को चुड़ैल के पास भेजा जाने वाला है। परिवार में पति पत्नी और बूढ़े पिताजी हैं। सब डरे हुए हैं। गीता, नहीं बेटे, चुड़ैल के पास तुम नहीं, मैं जाऊंगा। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, परिवार को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। सबने रोते हुए बाबूजी को विदा किया। बाबूजी चलते चलते जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। काफी दिनों के बाद आज इंसान खाने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। और फिर चुड़ैल बूढ़े बाबूजी को खा गई। अब गांव से हर रोज एक इंसान चुड़ैल के भोजन के वास्ते आने लगा। और फिर एक दिन आ ही गया जब गोपाल को चुड़ैल के पास जाना था। राधा रो रही है। सुनिए जी, आज तक गांव से जितने भी लोग जंगल में गए हैं, चुड़ैल ने उन्हें मार दिया है। आप मत जाइए ना। तुम मेरी फिक्र मत करो, चुड़ैल मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मगर आज तक चुड़ैल ने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है। लगता है तुम भूल गई हो कि चुड़ैल को बोतल से मैंने ही आजाद किया था, वो मुझे नहीं मार सकती। और फिर गोपाल जंगल की ओर चल पड़ा। गोपाल अति ज्ञानी और निडर इंसान है। जंगल में अजीब सी खामोशी छाई है। गोपाल सावधान होकर आगे बढ़ रहा है। मैं चुड़ैल हूँ। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही गोपाल हूँ जिसने आपको बोतल से आजाद किया था। हाँ, और उसके बदले मैंने तुम्हें सोने का मंगलसूत्र इनाम में दिया था। हिसाब चुकता हो गया ना? इसका मतलब आप आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगी? हाँ, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कोई बात नहीं जी, आप मुझे शौक से खा जाइए, मगर मुझे खाने से पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। पूछ। मेरे पिताजी कहते थे कि हमने किसी का भी भला किया हो तो वो कभी भी हमारा बुरा नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर मैंने आपको बोतल से आजाद ना किया होता तो आप मुझे कभी भी नहीं मारती। मगर मैं तो तुम्हें मारूंगी ही। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। क्या? यही कि उस दिन तुम बोतल में थी ही नहीं। उस दिन मैं बोतल में ही बंद थी। मगर मैं कैसे यकीन कर लूं? आप इतनी बड़ी होकर भला छोटी सी बोतल में कैसे समा सकती हो? मैं अपनी जादुई शक्ति से छोटी सी बोतल में भी समा सकती हूँ। ये संभव नहीं है। ये संभव है? नहीं नहीं,
ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारे पास बोतल है, मैं अभी उसमें समा के तुमको दिखा सकती हूँ। यह सुनते ही फौरन गोपाल ने अपनी जेब से बोतल निकाली और ढक्कन खोल दिया। फिर चुड़ैल धुआं बनकर बोतल में समा गई। जैसे ही चुड़ैल बोतल में गई, वैसे तुरंत ही गोपाल ने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। धोखा, धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे बाहर निकालो, तुम धोखेबाज हो। मेरे पिताजी ने मुझसे यह भी कहा था कि जो बोगे वही पाओगे। और फिर गोपाल बोतल को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन मुखिया जी ने पंचायत बुलाकर बोतल में कैद चुड़ैल को दिखाकर गोपाल की बहादुरी का किस्सा सभी गांव वालों को सुनाया। अपनी जान बचाने के लिए सारे गांव वालों ने शुक्रिया अदा करके गोपाल को कीमती गहने आदि उपहार में दिए और मुखिया जी ने भी 20 एकड़ जमीन गोपाल को गिफ्ट दे दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा धन्यवाद तो स्वीकार कर लेंगे, मगर अब भी एक काम बाकी है। कौन सा काम मुखिया जी? चुड़ैल वाली इस बोतल को तालाब के किनारे गड्ढा खोदकर गाड़ना अभी बाकी है। सारे गांव वाले मिलकर तालाब के किनारे गड्ढा खोदकर बोतल को गाड़ देते हैं और ऊपर हनुमान जी की मूर्ति रख देते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।